बड़ी खबर लाया हूँ मैं आपके लिए, यूपीपीएससी 2022 में जितने भी लोग सम्मिलित हुए थे उन सभी के लिए पोस्ट डिटेल, मतलब 384 पदों की पूरी सूचना कि किसके कितने हैं, ओबीसी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का क्या है, आखिर एसडीएम के पद कितने हैं, तो वो सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ये है थोड़ा सा पन्ना, इससे आगे भी पन्ने दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को, तो बड़ा करके भी दिखाने पड़ेंगे। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक तो ये है कि आज से ही 2023 वालों के लिए मैंने बहस शुरू किया है, आज से ही शुरू हुआ है। कुछ नमूने मैं आपको दिखा दूँ, ये संविधान वाले रिव्यूज़ हैं मेरे लिए आपके, गागर में सागर संविधान भर गया है। जो ये वकील साहब हैं, क्योंकि इन्हें तो संविधान अच्छी तरह याद करना होता है ना, तो वकील साहब ने बोल दिया, अरे ये क्यों नहीं आ रहा पेन, गागर में सागर वकील साहब हैं ये, कहीं इलाहाबाद के ये रहे। चलिए इससे आगे, ये है सीएस में सिलेक्शन, यूपीपीएससी में सिलेक्शन, दो दो एग्ज़ाम एक ही दिन में, 70 से 80% प्रश्न तो आपके आराम से हल किए जा सकते हैं नोट से। क्लास चल रही है, ₹1,000 महीने की है, और पहले मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, सारे 384 पद की डिटेल है मेरे पास। डिप्टी कलेक्टर के, यहाँ से देखिए, डिप्टी कलेक्टर के जो हैं वो 39 पद हैं कुल, अनारक्षित हैं 18, 18 हैं या 15 हैं एकदम, और मैं दूसरे में देख के बता दूंगा आपको। यहाँ से लगा लेते हैं, 8 अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, 10 अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के 3, 3 और 10 13 और 8 21, तो 18 ही है वो, नहीं 21 22 23 ये है, ये लंबवत आरक्षण है, तो ये 15 हैं, 15 है अनारक्षित। आगे चलते हैं, पुलिस उपाधीक्षक बड़ी अच्छे पद हैं इस बार, 93 हैं, 39 नॉट रिजर्व हैं, 19 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, और 25 अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के लिए, और 9 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 है डीएफ, और 4 हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। जिन लोगों को 2000, मैं केवल प्री एक्सपर्ट हूँ, 100% रिजल्ट देता हूँ, जिन लोगों को गारंटी से प्री निकालना है, देखिए हमारे यहाँ से उत्तराखंड बीसीएस भी निकला है और यूपीपीएससी भी, एक ही कोचिंग से, मतलब एक ही बार क्लास लिए, ये नहीं कि दोनों का अलग अलग कोई क्लास चल रहा हो, एक ही क्लास से दोनों एग्ज़ाम निकल गए हैं। ये मेंस प्री के कितने वर्डों में लिखना है वो मैंने इन्हें बता दिया। ये 17 जुलाई को रिजल्ट आया, 26 को आया हो, 25 को आया हो, 2022 वाला ये रहा। जिन लोगों को ये लीजिए, कौस्तुभ आराध्य कौस्तुभ शुक्ल जी कहते हैं, लाभदायक बनाएगी बेहतरीन, तुरंत याद, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए, 2022 में भी, यही 12 बुकलेट हैं, 11 बुकलेट हैं वर्तमान में, करंट वरेंट का सब लगा के, बाइंडिंग मिला के, ये आपको पड़ेगा ₹2,000 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप खरीद लेते हैं। और जिन लोगों को क्लास लेनी है तो ऐप भी क्लास चल रही है, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस जिन लोगों को टेलीग्राम पे लेनी है, फ्री टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का सबका लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। 2023 वाले गारंटी से निकलवाऊंगा प्री, डायरेक्ट मेंस की तैयारी पर लग जाओ, बस प्री मेरे साथ पढ़ लो। खंड विकास अधिकारी के 25 पद हैं और इनमें से अनारक्षित आप देख लीजिए एक बार 12 हैं, और 5 अनुसूचित जाति के, और 6 अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के। जिला पंचायती राज अधिकारी 2 पद हैं, यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, 19। ये बड़ा बड़ा सिस्टम ख़राब किया इन्होंने। एक्चुअली मेरा तो पेपर, मैं लौट आया, तबीयत ख़राब हो गई थी, मुख्य परीक्षा में इलाहाबाद में था, प्रयागराज में, तो बड़ी प्रॉब्लम रही कि ये वाले जो पद हैं इन्होंने इनकी डिटेल ही नहीं मांगी थी मुख्य परीक्षा में। 19 में से 9 अनारक्षित हैं, 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं, प्लस 6 अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के, और 3 शायद ईडब्ल्यू महिला के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के देख लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस का कोई पद ही नहीं है। इसमें ये रहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 2 पोस्ट आई हैं, दोनों अनारक्षित हैं। ये आगे का मैं आपको अभी अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि अभी सभी ग्रुप में यही घूमेगी पीडीएफ, तो उससे बचने के लिए मैं आपको, मैं थोड़ा यहाँ अपना नाम लिखवा दूँ, सभी 384 पद की, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और
सभी 384 पद की डिटेल मैं आपको देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हैव ए नाइस डे, बाय।